सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई आप जो आपने सामने देख रहे हो तो ये है होंडा की भाई न्यू एलिवेट। तो ये जो गाड़ी आई है अभी कुछ रिसेंटली लॉन्च हुई है और ये होंडा की एक पहली एसयूवी कार है जो कॉम्पैक्ट एसयूवी की सेगमेंट में आती है। तो आज मैं आपको इसका फुल डिटेल वॉक अराउंड दूंगा और ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा। तो भाई पहले बात करते हैं गाड़ी के फ्रंट लुक से। तो इसका पहले बम्पर कुछ ऐसा है और इसमें सामने एलईडी का पूरा सेटअप मिलता है और DRL है ऊपर और अलावा उसका कुछ ऐसा डिजाइन है जो 17 इंच में आते हैं और इनका डिजाइन वैसा ही है जैसा इनकी होंडा सिटी में आ रहा है और सारी अपनी होंडा की गाड़ियों में दे रहे हैं। तो अब चलते हैं इसकी ड्राइवर सीट पे और जैसे ही हम सीट पे एंटर करते हैं तो हमें दिखता है इसका स्टीयरिंग व्हील और इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। और इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर काफी प्यारा लगता है जो फुल्ली डिजिटल तो नहीं है, बस राइट साइड की सुई इसमें फिजिकल है और पूरा डिजिटल है ये। और इसमें अंदर आते ही देखने को मिलता है इसका गियर नॉब जो कि नॉर्मल ही है और इसके सनशेड में एक मिरर मिल जाता है और कैबिन लाइट्स भी हैलोजन है। और भाई जो इसकी स्क्रीन है वो थोड़ी छोटी है क्योंकि टॉप से एक नीचे वाला मॉडल है। और अब बात करते हैं इसकी सनरूफ की, जो भाई छोटी है काफी, किसी की और में क्रेटा और सेल्टोस में तो पैनोरामिक आ रही है तो इसमें तो काफी छोटी सनरूफ आ रही है। तो भाई इसकी बात करें सॉफ्ट टच की तो इसमें काफी अच्छा सॉफ्ट टच दे रखा है, जहाँ पे लेफ्ट साइड में यहाँ पे दे रखी काफी स्टिचिंग और ऊपर सारा हार्ड प्लास्टिक दे रखा है इन लोगों ने। और इसके आर्मरेस्ट में तो अच्छा खासा स्पेस है, हम कुछ भी रख सकते हैं और ये ऑटोमेटिक गाड़ी, इसमें क्लच तो आता ही नहीं है। और पीछे का भी स्पेस काफी अच्छा लग रहा है। तो अब चलते हैं भाई सीधा पीछे। तो अब पीछे एंटर होते ही पहले हम बैठते हैं और बैठने के बाद सीधा डैशबोर्ड का लुक देखते हैं जो कि कुछ ऐसा दिखता है। भाई देखो तो पीछे से कुछ डैशबोर्ड का लुक कुछ ऐसा दिखता है। मैंने अपनी आगे वाली सीट काफ़ी अपने हिसाब से एडजस्ट कर रखी है तो मुझे काफ़ी अच्छा नीरो भी मिल रहा है और उसके एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी हैं। और अब सीधा बात करते हैं इसके बूट स्पेस की, तो उसमें भाई 450 लीटर का बूट स्पेस मिलता है जो काफ़ी डीप है और बहुत बड़ा स्पेस है। तो भाई देख लो ये थी हमारी कुछ एलिवेट होंडा की। तो भाई सही है इसका, जिसको डिज़ाइन अच्छा लगे अच्छी बात है और सबकी तो बाकी अपनी अपनी चॉइस होती है। चलो अब इसका अपना ड्राइविंग एक्सपीरियंस लेते हैं। तो भाई ये है बिल्कुल टॉप मॉडल जिसमें भाई बेज कलर का इंटीरियर आता है और इसमें जिस साइड का इंडिकेटर देंगे तो उस साइड का भाई कैमरा ऑन हो जाएगा। इसने अपने आप ब्रेक ले लिए, आवाज भी नहीं आ रही अंदर। क्रेटा से अच्छी लगी ना? है भाई, क्रेटा से अच्छी है। तो भाई ये जो पीछे बैठी थी जो डीलर जो हमारे साथ थी तो एकदम से वो बोलती सर आप यूट्यूबर तो नहीं हो? तो भाई हमने बोला नहीं नहीं हम थोड़ी बहुत शॉर्ट वगैरह डालते हैं। तो कहने लगी नहीं आपको ऐसे वीडियो नहीं बनानी चाहिए, ये सब नहीं बनानी चाहिए। तो मैं आपको एक बार ना इसका सारा जो रिव्यू है ना जो क्या हुआ था हमारे साथ एंड में दूंगा जरा। आप पहले ड्राइविंग एक्सपीरियंस को बता देता हूँ मैं पहले, फिर आपके साथ मैं करूँगा वो इंसिडेंट शेयर। तो भाई एक तो मैं पहले प्रॉपर सही से वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि इस लेडी की वजह से ये बहुत मना कर रही थी। तो मैं आपको बता दूं भाई पहले कि इसमें गाड़ी में ना देखो गाड़ी तो काफी स्मूथ है चलने में, स्मूथ है होंडा की गाड़ी में यार, वही है ये सेम ही तो इंजन है जो अपनी पुरानी सिटी में आता है, उसी को थोड़ा थोड़ा ट्यून करके वापस देते रहते हैं फिर भी चलती है गाड़ी। तो भाई इसमें सेम जो होंडा सिटी वाला इंजन है बट इनकी ट्विनिंग है थोड़ी, इन्होंने वो परफॉर्मेंस थोड़ी डाउनग्रेड कर दिया या फिर एसयूवी की वजह से थोड़ी डाउनग्रेड हो गई है। इसकी स्पीडोमीटर पे देखिए जो 180 तक की मांगेंगे ना ये गंदी लगती है भाई, क्रेटा वगैरह में 240 तक की दी होती भले ही जाए ना। और इसकी परफॉर्मेंस पे एक डाउनग्रेड होने का ये भी सही रीजन है क्योंकि एसयूवी और होंडा सिटी वो सेडान है, जो सेडान का एरोडायनामिक जो स्टाइल होता है ना वो हवा को काटते हो जाता है तो परफॉर्मेंस में भी काफी फर्क देता है। तो भाई एसयूवी का ऐसा नहीं होता है। इसमें चारों डिस्क आते हैं फिर सिर्फ आगे आते हैं डिस्क? लेकिन भाई गाड़ी की तारीफ करनी पड़ेगी, नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन के होने के मुकाबले भी भाई बहुत अच्छी भाग रही थी। एक बार जरा ये देखो, भाई 100 तो जानी भाई पूरी, लेकिन काफी अच्छी स्पीड पकड़ ली इस गाड़ी ने। और आप देखना कितने सेकंड में कितने की स्पीड पकड़ी वो आप देख के कमेंट में बताना। तो भाई हम आ चुके हैं वीडियो बना के होंडा से और हमने चला एलिवेट जैसे आप लोगों ने देख लिया। ये फुल रेंज थी आरपीएम पर भाई आराम से
कैसे करके मारेगा? अरे भाई साहब देख भाई बात की हो तो बता दे। तो भाई हम आ चुके हैं एक होंडा के शोरूम से बाहर, ठीक है, गाड़ी में बैठे फिलहाल और यथार्थ भी बैठा है ना भाई। तो भाई अब जैसे तुम लोगों ने देखा वहाँ पे, मैं तुम्हें शायद ऑडियो भी आई होगी, तुम्हें सुनाई होगी मैंने, तुमने देखा होगा कि यार वो कह रही थी यार वीडियो मत बनाओ यार, अरे हर चीज़ में क्या पता नहीं शोरूम वाले हर कोई मतलब मैक्सिमम मैंने नेट में देखा है कि लोग मना करते हैं वीडियो बनाना। चल ठीक है, हमने आपने दो कई में देखा होगा, हमने कई वीडियो बनाई है, कभी किसी ने मना करा? कभी किसी ने भी मना नहीं करा। लेकिन इस बंदी ने बताऊँ क्या बोला उस टाइम पे, लेकिन आप लोगों को मैंने एलिवेट के बारे में जो बताया, बताना आपको कैसा लगा रिव्यू, जितना मैं बता सका उसने वीडियो बना दी उतना ठीक है, लेकिन जितना नहीं बना पाया मैं उसका रीज़न दे देता हूँ क्यों नहीं बना पाए हम सही से, क्यों नहीं बना पाए। तो उस चीज़ का रीज़न ये था, वो कहने लगी कि यार आप वीडियो नहीं बना सकते, गाड़ी में कैमरा है। मैंने कहा कैमरा कहाँ है यार, अरे कैमरा है कहाँ, मैं दिख नहीं रहा। कह रही नहीं नहीं कैमरा छुपाए हुए होते हैं वो आपको पता नहीं पड़ेंगे। मैं कैमरा ढूंढ रहा किधर कोई कर रहे हैं कॉम्पिटेंस यूवी जैसे कि उसमें क्रेटा आगे सेल्टोस होगी काफी गाड़ी आती है तो आप कंपेरिजन कर रहे हैं, तो कह रही एक तरह से आप यूट्यूबर ही तो हुए। मैंने कहा ऐसे हाँ एक तरह से यूट्यूबर ही मान लो, और कह रही लेकिन नहीं आप प्लीज वीडियो मत बनाओ ऐसे ऐसे वैसे मतलब दस बहाने करके, और प्लीज वीडियो मत बनाओ। और देखो शोरूम देख लो यहाँ पे इनका, ये रहा शोरूम, हमें लगा अच्छा सा होगा, हम तो सोचे यार अच्छा बढ़िया बढ़िया वीडियो बन जाएगी हम भी देख लेंगे। हाँ और बंदे बंदे पे बात काफी आती है। तो यार यही थी आज की वीडियो, और मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे और किसी और नई गाड़ी पे। आप कमेंट करके कौन सी गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेनी चाहिए, किसका रिव्यू करना चाहिए, जो आपको पसंद हो, जो आपको चाहते हो कि गाड़ी की हम प्लान कर रहे हैं, और मैं आपको कंपैरिजन वीडियो वैसे बनाता रहता हूँ, और आप लोग भी बताना। तब तक के लिए मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई सब अपना ख्याल रखना, बाय।